अभिनेता गोविंदाच्या पायाला आज पहाटे गोळी लागली आणि एका इव्हेंटसाठी जात असताना त्याच्या बंदुकीतून मिस फायर झालं आणि गोळी थेट त्याच्या पायामध्ये घुसली। दरम्यान अभिनेता गोविंदाने रुग्णालयामधून झी 24 तासशी एक्सक्लुझिव्ह संवादही साधला। सर्वांच्या आशीर्वादामुळे मी सुखरूप असल्याचं सांगत पायातून गोळी काढण्यात आल्याचं त्याने सांगितलं आणि इतकंच नाही तर त्याने डॉक्टरांचेही यामध्ये आभार मानले। गोविंदाने झी 24 तासला ही एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया दिली आहे। आज पहाटेच्या दरम्यान ही एक दुर्घटना घडली। गोविंदाच्या स्वतःच्या लायसन्स्ड बंदुकीमधून ही गोळी सुटली आणि त्याच्या पायामध्ये ही गोळी घुसली आणि आता गोविंदाची प्रकृती सुखरूप आहे। तत्पूर्वी गोविंदाने आता काही वेळापूर्वी झी 24 तासला एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। दरम्यान गोविंदाच्या घराबाहेरून या घटनेचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी अश्विन कुमार पांडे यांनी। इस वक्त मैं फिल्म अभिनेता गोविंदा के घर के बाहर हूं। आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। गोविंदा का घर आप आखिरी में देख सकते हैं। जो छपरा दिखाई दे रहा है वहीं पर गोविंदा पिछले कई सालों से यहां पर रहते हैं। रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनकी। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन शुरू कर चुकी है और जानना चाहती है कि आखिरकार पहले से लोडेड बंदूक क्यों रखी गई थी, कैसे मिसफायर हुआ, तमाम जो पहलू हैं उसकी तलाश की जा रही है। तमाम उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए गोविंदा ने एक ऑडियो अपना जारी किया है। अस्पताल से पीछे से एक साउंड आ रहा है जिसमें पता चल रहा है गोविंदा आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत पेन में लग रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। वो अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के बाद और पता चलेगा कि आखिरकार कैसे ये जो है लापरवाही हुई, कैसे गलती हुई, ये तमाम बातें जाँच के बाद सामने आएंगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।